छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखे गए मिलके नई कहानी। नमस्कार दोस्तों, 11 स्क्वायर फीट के सोशल मीडिया चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मैं रियल एस्टेट एक्सपर्ट अमित राउत पिछले 15 सालों से रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज में काम कर रहा हूँ और अब तक 1000 से भी ज्यादा लोगों को हमने प्रॉपर्टी सेल की है और कई लोगों के घर खरीदने के सपनों को भी पूरा किया हुआ है। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी के लिए नागपुर में रियल एस्टेट से रिलेटेड एक नॉलेज सीरीज शुरू की है जिसका नाम है प्रॉपर्टी की पाठशाला विद अमित राउत। जिस सीरीज में आपके लिए मैं आपके सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन देने की कोशिश करता हूं और आपके सारे कंफ्यूजन को मैं दूर करता हूं। हमारे साथ बने रहने के लिए इस चैनल को लाइक शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब करना न भूले तथा टाइम टाइम पे नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर ले। आओ दोस्तों, हम लोग चलते हैं हमारे विषय पे। आज का हमारा विषय होने वाला है मिहान। जी हाँ दोस्तों, मिहान प्रोजेक्ट नागपुर तथा विदर्भ के लिए एक वरदान है या शाप है, इसी बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में आपको इस मिहान प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन में देने वाला हूँ और अंत में एज अ रियल एस्टेट एक्सपर्ट आपको मैं मेरी राय भी दूंगा कि ये मिहान प्रोजेक्ट नागपुर, विदर्भ तथा रियल एस्टेट मार्केट के लिए एक वरदान साबित हुआ है या एक शाप साबित हुआ है। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ये मिहान प्रोजेक्ट नागपुर लोकेशन को ही क्यों चुना गया है, इस प्रोजेक्ट के लिए नागपुर को ही क्यों चुना गया। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि नागपुर सेंट्रल इंडिया में सबसे बड़े शहर में से एक है। मुंबई और पुणे के बाद महाराष्ट्र का तीसरा सबसे बड़ा शहर नागपुर। नागपुर की सेंट्रल लोकेशन होने के कारण लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्रीज और शिपिंग इंडस्ट्रीज के लिए इंपॉर्टेंट लोकेशन है, फिर चाहे रोडवेज हो, रेलवेज हो या और कोई भी। नागपुर को इंडिया का कार्गो हब बनाने की कोशिश की जा रही है। मिहान प्रोजेक्ट का मेन उद्देश्य क्या है? दोस्तों, मिहान मतलब द मल्टी मॉडल इंटरनेशनल कार्गो हब एयरपोर्ट एट नागपुर। मिहान प्रोजेक्ट इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट को मेनली डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए तैयार किया गया है, जहां प्रोजेक्ट का मेन एम यह है कि इंडिया की सेंट्रल लोकेशन नागपुर का सबसे ज्यादा फायदा उठाया जाए और साथ ही साथ अविकसित क्षेत्र जैसे कि विदर्भ की सारी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया जाए। अब हम लोग बात करते हैं ये मिहान प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितना है और कितने एरिया में ये फैला हुआ है। मिहान प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट कैपिटल लगभग 2500 करोड़ रुपए के आसपास का है। नागपुर में 4000 हेक्टेयर से भी अधिक एरिया में ये प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है। अब हम लोग बात करते हैं कि ये मिहान प्रोजेक्ट एक्चुअल में कैसा एग्जीक्यूट होने वाला है। मिहान प्रोजेक्ट के लिए मेन सेंटर पॉइंट एयरपोर्ट होगा। इसे बनाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने MADC यानी कि महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड की स्थापना की है। इस एयरपोर्ट को 14 मिलियन पैसेंजर और 0.87 मिलियन टन ऑफ कार्गो संभालने की कैपेसिटी के साथ तैयार किया जा रहा है और कार्गो हब को ध्यान में रखते हुए ये इंडिया का अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। माय डियर फ्रेंड्स, ये मिहान प्रोजेक्ट को स्पेशली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है इंटरनेशनल एयरपोर्ट और दूसरा स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इंटरनेशनल एयरपोर्ट 1364 हेक्टेयर एरिया में बनाया जा रहा है, जहां पर किसी भी समय में 50 एयरक्राफ्ट उतर पाएंगे और उनके लिए पार्किंग स्पेस, ब्रिज और बेस होंगे। इसे इस तरीके से डिजाइन किया गया है, ज्यादातर एयरपोर्ट पर कार्गो एरिया का एयरपोर्ट को ही हिस्सा बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर कार्गो का सेपरेट रखा जाएगा। यहाँ 3 मिलियन स्क्वायर फीट की एक नई टर्मिनल बिल्डिंग भी डिजाइन की गई है। माय डियर फ्रेंड्स, मिहान में एक ट्रक टर्मिनल जैसे कि एक बहुत बड़ा कंटेनर डेपो बनाया गया हुआ है, जहां पे हजारों ट्रक डेली अनलोड और लोड होते हैं। मिहान प्रोजेक्ट का दूसरा पार्ट है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। 2086 हेक्टेयर के एरिया में मिहान स्पेशल इकोनॉमिक जोन को डेवलप किया जा रहा है, जिसमें 1472 हेक्टेयर की जमीन पर प्रोसेसिंग यूनिट को सेटअप किया जाएगा। मतलब 1472 हेक्टेयर के एरिया में शिपिंग के अंदर स्क्वाटिंग सेक्टर भी होंगे या छोटे मोटे मैन्युफैक्चरिंग हब होते हैं। ट्रांसपोर्ट कंपनी के लगने वाली जो जरूरत की चीजें हैं, इन सारी चीजों का सेटअप किया जाएगा। जो 614 हेक्टेयर में बची हुई जमीन इसका सर्विस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब इस जमीन पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो या शिपिंग कंपनीज के लिए, ट्रांसपोर्ट कंपनीज के लिए या जो सर्विस जरूरी है, फिर चाहे वो इंटरनेशनल लिंकेज हो या कमोडिटी एक्सचेंज हो या फिर करेंसी ट्रांसफर हो,
और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए जो बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, इसे संभालने के लिए इस बची हुई 614 हेक्टेयर जमीन का इस्तेमाल किया जाएगा। मिहान प्रोजेक्ट के सोशल इकोनॉमिक जोन में ट्रांजेक्शन पॉलिसी दूसरे इंडस्ट्रियल एरिया जैसे अलग होंगी, ताकि जहां ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जाए, और इसी स्पेशल इकोनॉमिक जोन को 3 मेजर सेक्शन में बनाया जाएगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क लगभग 500 हेक्टेयर की जमीन पर बनेगा, मतलब यहाँ आईटी कंपनीज होगी, टीसीएस, एससीएल, हेक्सावेयर, इन जैसे आईटी कंपनी के अपने ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं। यही इंफोसिस और टेक महिंद्रा ने अपना काम भी शुरू किया है। इसी इकोनॉमिक जोन को स्पेशली 3 सेक्टर में बनाया जा रहा है। पहला सेक्टर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अभी लगभग मिहान जैसे प्रोजेक्ट में 30,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉय डायरेक्ट और इनडायरेक्टली अपना काम करते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में सेकंड मेजर सेक्टर है हेल्थ डिपार्टमेंट। हेल्थ केयर सेक्टर लगभग 40 सेक्टर में बनेगा, जिसमें ट्रेनिंग के साथ साथ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी होगा। नर्स, मेडिकल टेक्नीशियन के लिए इंस्टीट्यूट होंगे, जैसे एम्स, इंडो यूके हेल्थ मेडिसिटी और नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट। आप जैसे कि मिहान में जाओगे या एनसीआई में जाओगे या एम्स में जाओगे, तो यहाँ पे आपको सारी फैसिलिटी एकदम पॉश दिखेगी। एक सिस्टमैटिक ढंग से इसे बनाया गया है और फुल सिक्योरिटी के साथ। यहाँ का मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है। लगभग 1,000 से भी ज्यादा यहाँ पे पर डे विजिट हो रही है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन का थर्ड मेजर सेक्टर होगा मैन्युफैक्चरिंग जोन। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में टेक्सटाइल, गारमेंट, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल और बायोमेडिकल इंडस्ट्रीज होगी। फार्माजेंट लुपिन ने काफी पहले ही अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया है। टाल ने भी ऑपरेशन शुरू कर दिया है। सेज में विभिन्न विभागों का लाभ उठाने के लिए सेज के पास रेजिडेंशियल एरिया है, जिसमें महिंद्रा ब्लूमडेल, शिव कैलाशा और मोरास टाउनशिप जैसे कई टाउनशिप के प्रोजेक्ट यहाँ पे डेवलप हो रहे हैं। डीवाई पाटिल इंटरनेशनल स्कूल DPS मिहान कर्मचारी के बच्चों को पढ़ाता है। इसमें अन्य मनोरंजक सुविधाएं भी है, जैसे कि गोल्फ कोर्स, फ्लाइंग क्लब, मल्टीप्लेक्स थिएटर कॉम्प्लेक्स। बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट के जरिए महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी के अनुसार 12 मिलियन लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान है। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे काफी कंपनी ने अपनी अपनी जमीन ले ली है, काफी जमीनें अलॉट कर चुके हैं, लेकिन कुछ कंपनियों ने अपना काम शुरू कर दिया है और कुछ कंपनियां अभी भी काम शुरू नहीं किए हैं। इस वजह से इस प्रोजेक्ट में थोड़ा सा डिले चल रहा है। जिस तरह से प्रोजेक्ट को डेवलपमेंट होना चाहिए था, वैसा डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, ये प्रोजेक्ट काफी पहले ही शुरू हो जाना चाहिए था। कुछ पॉलिटिकल इश्यूज के वजह से ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी काफी लेट शुरू हुआ है, और कुछ पॉलिटिकल इश्यू के वजह से ये प्रोजेक्ट बहुत स्लो तरीके से चल रहा है। जैसे जैसे कंपनी अपना काम शुरू करेगी, वैसे वैसे मिहान प्रोजेक्ट में एम्प्लॉयमेंट बढ़ते ही जाएगा। डेवलपमेंट ऑलरेडी सब कुछ बना हुआ है, बस टाइम है कि कंपनी आए, अपना मैन्युफैक्चरिंग करे और यहाँ पे नया एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। अभी यह मिहान प्रोजेक्ट अपने मंद गति से चल रहा है, लेकिन आने वाले समय में नागपुर और तथा विदर्भ वासियों के लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके जरूर आएगा। अब हम लोग बात करते हैं मिहान प्रोजेक्ट के वजह से रियल एस्टेट सेक्टर में क्या फायदा हुआ। दोस्तों, मिहान प्रोजेक्ट के वजह से रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज में अचानक से तेजी हुई। प्रॉपर्टी के प्राइस 25-40% की वृद्धि है। इस प्रोजेक्ट के वजह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली शहर में आबादी करीबन 1.2 करोड़ लोगों जुड़ने की उम्मीद है। सन 2000 में मिहान के आसपास के प्रॉपर्टी के रेट लगभग 10 लाख से 30 लाख रुपए के आसपास थे। 2005 में इसी प्रॉपर्टी के रेट लगभग 30 से 50 लाख रुपए एकड़ हो गए। इसके अलावा 2010 में लगभग 50 से 1 करोड़, 2015 से 75 लाख से 1.5 करोड़ और 2020 में लगभग 1 करोड़ से 4 करोड़ रुपए पर एकड़ तक मिहान के आजू बाजू के रेट अभी चढ़ गए। कुछ जानकार लोग जो रियल एस्टेट से संबंध रखते हैं, उनका कहना है कि लगभग 2025 में आने वाले समय में मिहान तथा नागपुर के आसपास के प्रॉपर्टी के रेट करीबन 2 करोड़ रुपए पर एकड़ से लेकर लगभग 6 करोड़ रुपए पर एकड़ तक जा सकते हैं। अब बात तो यह है कि ये रेट बढ़ते कैसे हैं? इसके चार कारण हो सकते हैं। नंबर एक, डेवलपमेंट। जी हाँ, नागपुर और मिहान के आसपास का रियल एस्टेट का डेवलपमेंट अगर आप देखा जाए तो काफी हद तक बहुत बढ़ते जा रहा है। बेसिक डेवलपमेंट ऑलमोस्ट बना हुआ है, जैसे कि मेट्रो, रोड, इलेक्ट्रिक, वाटर लाइन, सब कुछ डेवलप है। इसके अलावा नंबर दो पे हो सकता है पॉपुलेशन। जी हाँ, जैसे जैसे नागपुर की पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है, वैसे वैसे घरों की डिमांड बढ़ते जा रही है। नंबर तीन, एम्प्लॉयमेंट। जैसे मिहान प्रोजेक्ट में कई कंपनियों ने अपनी जगह लेके रखी हुई है,
उसी प्रकार जैसे जैसे वो अपना काम शुरू कर रही है, नए नए एम्प्लॉयमेंट आते जा रहे हैं, नए नए लोग काम करते जा रहे हैं, नए नए एम्प्लॉयमेंट उनको मिलते जा रहा है। इस वजह से भी यहाँ के रियल इस्टेट के मार्केट के रेट काफ़ी हद तक बढ़ते जा रहे हैं। नंबर 4, इंडियन मेंटालिटी या हम लोग कल्चर कह सकते हैं। 2021 में धनतेरस के दिन जब सोना लगभग 45 से 50,000 रुपए के आसपास था, रिकॉर्ड तोड़ सोना बिका हुआ है। एक्चुअली हम इंडियन का कल्चर ही ऐसा है, हम हमारी प्रॉपर्टी हमारे लिए तथा हमारे बच्चों के हिसाब से भी बनाते हैं। सो इस वजह से नागपुर में रियल इस्टेट के मार्केट में प्रॉपर्टी की डिमांड हमेशा हाई होती है। शायद इस वजह से यहाँ के रेट आने वाले समय में बढ़ते जा रहा है। तो ये रही दोस्तों मिहान प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी। मिहान प्रोजेक्ट कुछ पॉलिटिकल इश्यूज के वजह से काफी डिले शुरू हुआ, इसके अलावा कुछ पॉलिटिकल इश्यूज के वजह से अभी भी कुछ कंपनियां नहीं आ रही है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आप यकीन मानो, मिहान प्रोजेक्ट नागपुर वासियों के लिए तथा विदर्भ के लोगों के लिए एक वरदान ही साबित होगा। जैसे जैसे कंपनियां आएगी, डेवलपमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट आएगा, उस तरह से इस प्रोजेक्ट को भी काफी डेवलपमेंट होगा और रियल इस्टेट के सेक्टर के लिए यह प्रोजेक्ट एक वरदान साबित होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपने ये वीडियो अंत तक देखा। आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव हो तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यदि आपके पास कोई प्रॉपर्टी बाय सेल या रेंट करना हो तो नीचे दिए गए वेबसाइट पे आप जरूर इसे पोस्ट कीजिए, या आप हमको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।